अस्सलाम वालेकुम मेरे होम मील वीवर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान शरीफ की सहरी के लिए एक बहुत ही हेल्दी सा स्नैक हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त है और ख़ुसूसन उन लोग के लिए कि जिनके सर में दर्द रहता हो, उनके लिए ये बेहतरीन होता है और बहुत ज़बरदस्त हेल्दी होता है। इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। सहरी में तो आप ख़ुद पूरा दिन बहुत एक्टिव और अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। ये है देसी घी में बना हुआ मीठा अंडा। देसी घी है ये, मैंने घर में निकाला हुआ है। इंशाल्लाह आगे चल के इसका भी तरीका आपको बताएंगे। एक अंडा लिया है, 3 टेबल स्पून हमने चीनी ली है और तकरीबन 4 टेबल स्पून हम इसमें मिल्क डालेंगे। क्वांटिटी हम कम बताते हैं आपको ताकि जो न्यू बच्चियां हैं सीखने वाली, वो पहले कम से ट्राई करें ताकि जब वो उनकी डिशेस पेरेंट्स पास कर लें तो फिर वो आगे ज़्यादा पे ट्राई करें। तो चलिए आइए हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें चीनी डाल के इसको अच्छे से फेंटेंगे। चीनी हमने इसमें ही डिसॉल्व कर ली है क्योंकि दूध हमारा थोड़ा ठंडा है और इसमें गर्म दूध भी नहीं डालते, बस नॉर्मल टेम्परेचर का डालते हैं, तो इस वजह से चीनी हमने अंडे में डिसॉल्व कर ली है। ठंडे दूध में कभी भी चीनी डिसॉल्व नहीं होती, इस टिप का ख्याल रखिएगा। अब हमने दूध भी डाल लिया है और इसके साथ हम इसको अच्छे से दोबारा से फेंट रहे हैं। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, बस अब हम इसको फ्राई करते हैं असली घी में। ये हमने 1 टेबल स्पून घी ले लिया है, थोड़ा सा और डाल लेंगे। बहुत इतना घी लेना है कि अच्छे से पूरे पैन में घी हो जाए, ये देखें, और इसको गरम कर लेना है। घी हमारा गरम हो गया है, थोड़ा सा हमने मीडियम आंच पे रखा है। अब हम हल्की आंच करके इसको डालेंगे और पूरे पैन में हम फैला देंगे इसको। फिर ये हल्की आंच पे अंदर तक सिकता रहेगा। ये देखें, ये हल्की आंच पे हम पका रहे हैं ताकि ये जो है वो नीचे से अच्छे से पक जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा एक साइड से हो गया है, अब हम दूसरी साइड से इसको अच्छे से पका रहे हैं। चलें जी मेरे होम मील वीवर, बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी सी हमारी सहरी तैयार हो गई है। इसमें हम मीठा अंडा रोटी के साथ खा रहे हैं। आप अगर चाहें तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ एक गिलास दूध ले लें, खजला फेनी ले लें, बहुत ही हेल्दी सी आपकी सहरी हो जाएगी, खुसूसन उन बच्चों के लिए या उन बड़ों के लिए जिनके सर में दर्द रहता हो, वो ये वाला अंडा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और इसी तरह हमारे चैनल को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।